जाकर आराम कर लीजिए, मैं प्रथम के पास बैठती हूँ। नहीं, यहीं बैठती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, मम्मी जी थोड़ा आराम कीजिए। कोई जरूरत पड़े तो मैं आपको जगा दूंगी, सो जाइए। मैं हूं ना मम्मी जी, सो जाइए। जो हो रहा नसीबों की बातें हैं, दिन है किसी के मुकद्दर में रातें हैं, पल ही हंसाते हैं पल ही रुलाते हैं, हम अपने दिल को यही समझाते हैं, जो डॉक्टर, ये मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? आपकी आंखों में कुछ कांच के टुकड़े गए थे, हमने ऑपरेशन कर दिया है, मगर सुबह पट्टी खुलने पर ही ये पता चलेगा कि उनका आपकी आंखों पर कितना असर हुआ है। प्लीज रिलैक्स मिस्टर बताओ, आप लोग इन्हें आंखों में हाथ मत लगाने दीजिए। जी माँ, सब ठीक हो जाएगा। हम बेटा, मैं हूं तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर प्रथम, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। क्योंकि आंखों में इतने ज्यादा कांच के टुकड़े जाने के बाद भी इनकी आंखों का ठीक होना, इट्स रियली अ मिरेकल। लगता है इस लड़के के साथ ढेरों दुआएं चली हैं। आपने सही कहा डॉक्टर साहब, हमारे पूरे कुटुंब की जान बचती है इसमें। आज ना सिर्फ इसे बल्कि आपने हम सबको एक नई जिंदगी दी है। वी आर रियली थैंकफुल टू यू।
भगवान की दया से अब बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड, अब सब ठीक है। नानी नानी। हाँ बच्चा। आप हॉस्पिटल से आ गए? हाँ बच्चे आ गए। नानी नानी मेरे प्रथम मामू कैसे हैं? इधर आ। ठीक है बेटा, आप तुम्हारे प्यारे प्रथम मामू अब बिल्कुल अच्छे। नानी नानी मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। बेटे जब तुम्हारे प्रथम मामू घर पर आ जाएंगे तब मिल लेना। नहीं नहीं नानी, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, मुझे भी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है शोभित, हम तुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे। थैंक यू, अभी मैं अपने प्यारे से मामू की सुंदर से काट के भेजूंगी। तुमने क्या किया नताशा, शोभित को क्यों प्रॉमिस किया कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? तो कोई हर्ज ही नहीं, हर्ज कोई नहीं है, बस इतना ही कि वहाँ नंदिनी और मानव भी आ सकते हैं, कहीं वहाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए। आई एम सॉरी, मैं उसे मना कर दूँ। नहीं नहीं, आप शोभित को मना मत करना, बेकार में रोएगा, मैं संभाल लूंगी। ये लिखा प्रथम, क्या देख रहा है रे तू? हाँ एक बात सुन। क्या? मेरी आंखों की पट्टी निकलने के बाद बाकी सारी चीजें वैसी नहीं रह सकती, सिर्फ मेरी माँ वैसी है। मतलब ये माँ कि इन दो दिनों में तुम बूढ़ी हो गई है। जानता है इन 48 घंटों में मैं तुम्हारे जिंदगी के 24 साल फिर से जी हूं प्रथम। तेरा पहली बार मुझे माँ कह के पुकारना, तेरा मुझसे रूठना और फिर से मेरी गोदी में आकर सोना, तेरा पहली बार स्कूल जाना, तेरी सगाई, तेरी शादी, सब कुछ मैं फिर से जी हूं प्रथम। अब तू ही बता बेटा, सिर्फ 2 दिन में इतनी बड़ी जिंदगी जीने के बाद मैं थक नहीं जाऊंगी, बूढ़ी नहीं हो जाऊंगी? बहुत रुलाता हूं मैं अपनी माँ को। नहीं, तू तो मेरा सबसे अच्छा, मेरा राजा बेटा है ना? अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगी मैं। अच्छा भी बोलती पर खबर भी लूंगी। अच्छा खिला दे उसे। नहीं माँ, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाएगा, खिला दे इसे। दवाई खाने को मिल रही इसलिए, गौरी जैसी पत्नी मिली इसलिए। जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरी बच्ची ने एक पांव पर खड़ी होकर तुम्हारी सेवा की है, पलक तक झपकने नहीं दी इसे। मुझे मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ। तो बेटा तुम? हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी, क्या वापस घर नहीं आओगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर आऊंगी, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे यहाँ रहना पड़ता है उनका ख्याल रखने के लिए। बस एक बार ठीक हो जाएंगे ना, मैं घर वापस आ जाऊंगी। हेलो मानव। शोभित, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आप स्कूल नहीं गए आज? नहीं, आज मुझे यहाँ पे प्रथम मामू से मिलना आना था, इसलिए मैंने स्कूल की छुट्टी कर ली। अब चले प्रथम मामू से मिलने? हाँ चलते हैं। नंदिनी मैं प्रथम से मिलवा के लाती हूँ शोभित को। ओके मानव, बाय। चलो बच्चे, बाय।
सुंदरी, मुझे एक भी सुंद नहीं है। क्या अगर अजय और कविता भाभी शोभित को अडॉप्ट करने वाले हैं तो उस हिसाब से शोभित प्रथम का भाई लगेगा ना? फिर वो प्रथम को मामू मामू क्यों कह रहा था? मैं बताती हूँ वो प्रथम को मामू क्यों कह रहा था। वो एक्चुअली आज ट्यूजडे है ना, इसलिए। क्या मतलब? मतलब कि वो डेज के हिसाब से कभी भी किसी को चाचा, कभी मामा, कभी भैया बुला देता है। अभी परसों ही प्रथम को चाचा बुला रहा था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसी ही कुछ आदत मुझे भी थी बचपन में। मेरे कजिन्स मम्मी को चाची चाची कहा करते थे, तो उनके देखा देखी मैं भी अपनी मम्मी को चाची कहने लगा। रियली? अब तो सोचता हूँ तो हंसी आती है। एनीवेज हम चलते हैं, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना। श्रुति थैंक यू वेरी मच। बेटा प्रथम, आज शाम को मैं तेरे लिए दलिया बना कर लाऊंगी। दलिया? दलिया तो जैसे बुड्ढे खाते हैं। मैं तो अपने बेटे को चाइनीज फूड खिलाऊंगी शाम को। डॉक्टर ने हैवी खाना खाने को मना किया है। पता है पता है, मैं इसे चाइनीज सूप पिलाऊंगी, डाइट भी रहेगा और इसके मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, मेरा बेटा दलिया खाएगा, सूप पिएगा, दलिया खाएगा। चाइनीज तू कहाँ ने दलिया खाएगा? दादी दादी, मैं चाइनीज सूप भी पी लूंगा और दलिया भी खा लूंगा। ओके, वेरी गुड। प्रथम मामू, प्रथम मामू, आप कैसे हैं? देखो ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए कार्ड बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हमारा शोभित बेटा कैसा है? आई एम फाइन मामू, लेकिन आपको एक बात बताऊं मामू, आपके बिना मेरा घर पे बिल्कुल मन नहीं लगता। एक्सक्यूज मी, आप लोग पेशेंट को आराम करने, कोई एक पर्सन यहाँ रुके, बाकी सब बाहर जाए प्लीज। अच्छा अच्छा बच्चा, चलो चलो तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ मेरे प्रथम के पास। अरे अकल की दुश्मन, तू कहाँ रुकेगी? यहाँ गौरी है ना प्रथम के पास। सॉरी डॉक्टर, इसकी उम्र हो गई है ना, इसलिए इसकी अकल खत्म हो गई है। मैं आपके पास आऊंगी इसका इलाज कराने। छोटी तू बहुत बोलती है। अरे तू कम बोलती है, चल अब चल। मिसेज मित्तल प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्योस यहाँ पर क्रिएट ना हो। क्विक रिकवरी के लिए पेशेंट को कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी। कैसे एक्सरसाइज होते सर? लुक, इनके आर्म्स को कुछ इस तरह से अप एंड डाउन करना होगा एटलीस्ट दिन में दो बार, और वो भी मिनिमम 10 टाइम। जी डॉक्टर। स्टार्ट दीज एक्सरसाइज फ्रॉम टुडे ओनली। ओके, थैंक यू डॉक्टर। 59, 60, 61। बस मैं और नहीं कर सकता। प्रथम, डॉक्टर ने तुम्हें कम से कम 100 बार ये करने को कहा है दिन में। कहने से क्या होता है, मैं नहीं कर सकता 100 बार। कोशिश तो करो। मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकता, मेरे ये हाथ। अब तो कर सकते हैं। 63। तेरी वफाओं को आज मैंने जाना है, तेरी मोहब्बत को मैंने पहचाना है। तेरी खता थी जो तुमको रुलाया है, मेरा भी दिल अब बहुत पछताया है। रस्मों को यूं निभाते रहे हैं, खुद से फरेब खाते रहे हैं, खुशियों को हम जलाते रहे हैं। हो गया ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, वो पानी चाहिए था। क्या ये पानी नहीं है? ये पानी ही तो है, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मिला। चलो पी लो जल्दी। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। प्रथम पी लो ना प्लीज, वरना मुझे डॉक्टर से कहना पड़ेगा। गौरी तुम मेरी पत्नी हो या मेट्रन हो? Oh,
अनीता, तू गई नहीं अभी तक? मैं बस जा ही रही थी, ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गया। थैंक्स अनीता, यू हेल्प मी अ लॉट। ये तेरे मेरे बीच में थैंक्स कब से आने लगा? आइंदा थैंक्स थैंक्स कहेगी ना तो मैं तुझसे बात करने बंद कर। अच्छा बाबा नहीं करना, ठीक है अब तू घर जाओ और आराम कर। जाने से पहले एक बात करूं? हाँ बोलना। माना कि तेरी शादी को बहुत वक्त हो गया है, लेकिन पति पत्नी का प्यार अब शुरू हो रहा है। ये तो क्या कह रही है अनीता, ऐसा कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड, प्यार छुपाए नहीं छुपता। तू चुप कर और अब घर जा, जा जल्दी। अच्छा जी, तो अब हम कबाब में हड्डी बनने लगे हैं, इसीलिए तो बार बार घर जाने के लिए कह रही है मुझे। मैंने कहा ना तो जा घर। जाने से पहले प्रथम को बाय तो कह दो। अनीता गो। ठीक है बाय। अच्छा गौरी। वहां क्या खड़े हो? आओ ना अंदर। यार तुम लोग दोनों हो कहां? मैं कब से तुम दोनों के बारे में पूछ रहा हूं? बस यार यहीं थे बाहर। कैसा? बिल्कुल फिट। प्रथम मित्र को कुछ हो सकता है भला? तुम दोनों कैसे हो? बस ठीक है यार। तुम दोनों को भी बहुत परेशानी हुई ना मेरी वजह से। कैसी बात कर रहा था? अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ये बताओ बाहर कोई है तो नहीं? नहीं। बोल। आराम करो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि मेरा एक्सीडेंट उन दोनों लड़कों ने करवाया जो कि रिया और संस्कृति के पीछे पड़े हुए। नहीं नहीं यार, ये तू गलत समझ रहा है। वो तो वाकई ट्रक का ब्रेक फेल हुआ था जिसकी वजह से ये। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे उस वक्त तू वहां मौजूद था। यार मगर तू ये सोचना कि वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, उन दोनों को पता चल गया है कि मैं उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए वो लोग ने ये सोचा होगा कि प्रथम को ही रास्ते से निकाल दो। खैर ये सब बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ दिन और चल फिर नहीं सकूंगा, तो मेरी एब्सेंस में मैं चाहता हूं कि तुम दोनों रिया और संस्कृति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तुम दोनों उनका ख्याल रखो और उन दोनों लड़कों को रिया और संस्कृति के आस पास भी भटकने नहीं देना, समझे? ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। तू पहले जल्दी से अच्छा हो जाए। जल्दी से ठीक हो जाता हूँ, फिर उन दोनों को बताता हूँ कि प्रथम की बहनों पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। चल चलते हैं। तुम लोग भी अपना मेरी बात। प्रथम तो ये समझ रहा है कि उसका एक्सीडेंट हम दोनों ने करवाया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। करना क्या है, हम दोनों जाकर भैया को वैसे ही सब कुछ बताने हैं। क्या भैया? प्रथम एक बार ठीक होकर घर वापस आ जाए, उसके बाद मैं रूटीन खुद उसको हमारे प्यार के बारे में बता दूं।